खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भाजपा के एक युवा नेता पर चलती बस में एक लड़की से बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। युवती ने भाजपा नेता पर आरोप लगाते हुए बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक समाचार चैनल ने इस मामले का खुलासा करते हुए सीसीटीवी फुटेज होने की बात भी कही है। भाजपा नेता ने युवती के साथ चलती बस में शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने नौकरी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो वायरल होने से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला गढ़चिरौली जिले के चंद्रपुर इलाके का है। बस में लगे सीसीटीवी में यह पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भाजपा नेता रविंद्र बावन थड़े एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। बस में कई यात्री भी सवार हैं, लेकिन पीछे की अधिकतर सीटें खाली हैं। वीडियो वायरल होते ही उसमें दिखाई दे रही युवती सामने आई और उसने पुलिस में रेप का केस दर्ज कराया। युवती का आरोप है कि उसे नौकरी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। साथ ही आरोपी ने उसे शादी का वादा भी किया था। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी नेता रविंद्र बावन थड़े अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। सत्ताधारी पार्टी के नेता से जुड़ा मामला होने के चलते पुलिस इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। वहीं सेक्स वीडियो वायरल होते ही सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। भाजपा नेताओं ने इस पर किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया करने से इनकार किया है। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।